नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला वित्त के। दोस्तों, आप लोग के बिहार पुलिस की तैयारी कैसी चल रही है? मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लोग क्लास भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा दोस्तों कि 7 अगस्त को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आप अपनी स्थिति को कैसे सुधार सकते हैं, कैसे आप भी 21,391 में शामिल हो सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा। इस वीडियो में मैं 2-3 बातें बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। 5 से 7 मिनट में आपका लूंगा और आपको एक सटीक रणनीति दूंगा जो आपको करना चाहिए। आपको ही नहीं, हर सफल होने वाले छात्र को करना चाहिए जो सफल होना चाहता है इस एग्ज़ाम में। क्या करना, देखिए अब तक आपने तैयारी किया, कहीं ना कहीं गलती तो कर ही रहे थे, इसी वजह से कहीं ना कहीं आपको समस्या हो रही थी और कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट जो है वह नहीं हो रहा था, रिजल्ट फाल हो जा रहा था। देखिए, पढ़ते तो बहुत थे, ऐसा तो नहीं है कि आपने इस बार ही स्टार्ट किया है, पढ़ाई आपने पहले भी करी है, लेकिन रिजल्ट का हुआ, परिणाम क्या हुआ, रिजल्ट कहीं ना कहीं डाउन हुआ। तो क्यों डाउन हुआ, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। अगर इस चीज़ को समझ गए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर आपका हो गया, तो आपका रिजल्ट होना तय है। तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि जितने भी प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं उनको अवश्य कर लीजिएगा। आपके पास अगर साधन नहीं है तो मेरे द्वारा, मेरे इसी चैनल पर, जी हाँ इसी चैनल पर जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसी चैनल पर एक सीरीज चलाया जा रहा है। कौन सा सीरीज है? एक वीडियो जो होगा वह पूरे, जैसे कि एक वीडियो लाया हूँ उसमें 2010 से लेकर के 2022 तक जितने भी हिस्ट्री के प्रश्न हैं वह मैं इंक्लूड किया हूँ। लगभग 200 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक ना, हिस्ट्री के, तो इनको मैं एक ही वीडियो में कवर करा दिया हूँ। यहाँ पर देखिए थंबनेल दिख रहा होगा और इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो ये देख लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको सारे सब्जेक्ट का करा दूंगा, तो या तो मुझसे कर लीजिए या अगर आपके पास बुक है तो बुक से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ज़रूरी नहीं है कि केवल मुझसे ही करेंगे तभी पास होंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारे तमाम टीचर्स हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं तो आप उनसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं कहीं कोई मिल रहा है तो आप बिल्कुल यहाँ आइए और बिंदास होकर के क्लास करिए। और सबसे बड़ी बात कि इसका PDF भी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। क्लास को आप कर लेंगे उसके बाद आप PDF भी ले लेंगे, तो ये फायदा हो जाएगा हमारे यहाँ आपको करने से। तो जितने भी प्रीवियस ईयर हैं छोड़ना एक भी मत भाई साहब, अगर छोड़ेंगे तो फिर देखिए आप लोग सोचते क्या हैं कि पिछली बार जो पूछा गया है फिर वही थोड़ी पूछा जाएगा। अरे भाई, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए ना, बहुत ऐसे प्रश्न हैं जो हूबहू पूछे जाते हैं और वहीं से मिलता जुलता प्रश्न पूछा जाता है। जैसे पिछली बार पूछ दिया गया कि राष्ट्रपति का अनुच्छेद कितने में है, तो इस बार पूछ दिया जाएगा राष्ट्रपति का जो शपथ है कितने में है, तो राष्ट्रपति से ही मिलता जुलता पूछा गया है ना। तो प्रीवियस ईयर करिएगा और प्रीवियस ईयर करके, ये नहीं कि खाली प्रीवियस ईयर करके बैठ जा रहा है हाथ पर हाथ धर के कि अब तो रिजल्ट हो ही जाएगा, नहीं, प्रीवियस ईयर करना है। और साथ ही साथ मैं आपको ऐसे टॉपिक भी करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के उन सारे टॉपिक को भी कवर करा रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। जैसे पंचायती राज से प्रश्न आया तो पंचायती राज क्वेश्चन तो मैं करा ही दूंगा, पॉलिटी जब पढ़ाऊंगा तब, लेकिन पंचायती राज टॉपिक भी मैं अलग से पढ़ा दूंगा कि पंचायती राज से जितने भी क्वेश्चन बने वो सब आप कर लें। तो ऐसे करके आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। पहली बात ये हो गई प्रीवियस ईयर वाली। दूसरी बात जो कि और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, दूसरी बात देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और उसमें से ऐसे टॉपिक को आप छांटिए जिन टॉपिक को बिहार पुलिस आयोग बार बार यूज करता है। अब इसमें समय लगेगा, जाहिर सी बात है कि इन टॉपिक को छांटने में समय तो लगेगा ही, तो इसके लिए भी आपको परेशान नहीं होना है। 23 तारीख से जी वैसे सारे टॉपिक पर वीडियो मिलना प्रारंभ हो जाएगा हमारे इसी चैनल पर, जो कि प्रीवियस ईयर में देखने को मिले हैं और जो कि बिहार पुलिस आयोग के द्वारा बार बार पूछा जाता है, उस पर भी आपको क्लास मिलना प्रारंभ हो जाएगा टॉपिक वाइज। एक टॉपिक में ही उसी के खाली क्वेश्चन रहेंगे, जैसे मैं पहले प्रस्तावना पढ़ाऊंगा तो जितने भी प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न हैं सब रहेंगे। और ये गारंटी के साथ मैं बता रहा हूं कि अगर उस क्लास को देख लिया, जैसे मैं प्रस्तावना आपको पढ़ाया, तो प्रस्तावना से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर छूट जाए तब आप कहिएगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, बिल्कुल डिटेल में मैं कराऊंगा। तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि अब प्रैक्टिस सेट पर भी आप ध्यान दीजिए, अब आप प्रैक्टिस सेट भी लगाइए। और प्रैक्टिस सेट में देखिए, प्रैक्टिस सेट लगाने का एक तरीका होता है बढ़िया सा, कि प्रैक्टिस सेट आपने लगाया और जिस टॉपिक में आपका गलत हुआ उस टॉपिक को डिटेल में पढ़िए, ताकि
अगली बार या फिर अगर एग्जाम में उस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो आपसे नहीं छूटे। और आप लोग करते क्या है कि प्रैक्टिस सेट आप लगा रहे हैं, ठीक, प्रैक्टिस सेट तो लगा लिए, लेकिन जो क्वेश्चन गलत हुआ उसको नहीं पढ़ते हैं, केवल आंसर देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और अगली बार फिर से वही प्रश्न या उसके इर्द गिर्द का कोई प्रश्न या उससे मिलता जुलता कोई प्रश्न आता है तो फिर वही गलती। तो ये चीज़ आप लोग बार बार करते हैं और इसको मैं बार बार दोहराता हूँ कि जब भी प्रैक्टिस सेट लगाइए, जब भी प्रैक्टिस सेट लगाइए तो जिस टॉपिक से आप गलतियाँ कर रहे हैं उनको सुधारने का प्रयत्न कीजिए, उसको सुधारने का प्रयास करिए। अगर उसको सुधार दिए तो आपका रिजल्ट वहीं से होना सुनिश्चित हो जाएगा। तो यही दो तीन चीज़ें थी। आप क्लास करने के लिए हमसे जुड़ सकते हैं, मैं पूरी डिटेल में क्लास करा रहा हूँ, सारे सब्जेक्ट को लेकर के चल रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी लेकर चल रहा हूँ, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन सबको लेकर के चल रहा हूँ मैं अपने इसी चैनल पर। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अब आप ये चिंता मत करिए कि कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, सिलेबस क्या है, कोई चिंता नहीं, हम हैं तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, भली भांति इसका अवलोकन करेंगे और अपने काम में लगेंगे। तो फिर मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।